नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द समाज में ऐसे लोग हैं जो दूसरे के घरों में आग लगा करके बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। परिवार में कलह की स्थिति को उत्पन्न करके दूर खड़े होकर के मज़ा लेने की कोशिश करते हैं या ऐसा करने में उन्हें बड़ी दिलचस्पी है और बहुत ही माहिर हैं वो, या यूं कह लें कि बिना मतलब किसी परिवार में आ करके दखल अंदाजी करना, बिजनेस में, समाज में, परिवार में, सड़क पे, व्यापार में, कहीं भी अगर जो मिलते हैं तो उनकी अलगाववादी ही विचारधारा होती है। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़ करके कुछ बताना चाहता हूँ। मित्रों, अगर जो हम ओवर लिसनिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में हमें हार्ट रोग हो सकता है, आने वाले समय में हम उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो सकते हैं। अगर जो आपका दिमाग 24 घंटा खुराफात में लगा रहता है तो ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में, या यूं कह लें, आप चेक कराना चाहिए आपको, अपना शुगर भी चेक कराना चाहिए, बीपी भी चेक कराना चाहिए और थायराइड अवश्य चेक कराएं, क्योंकि जब हमारा दिमाग नकारात्मक ऊर्जा में ज़्यादा संलिप्त होता है तो ऐसे समय में हमें अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की भी स्थिति पैदा होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि वो इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। तो कुल मिला जुला करके इसकी जिंदगी तो फुल ऑफ डिजीज है। इस इंसान का जो जिंदगी है ये फुल ऑफ डिजीज है, ये तो बीमारियों से घिरा पड़ा हुआ है और पल पल घिरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जब जब यह कंस्पायरेशन करेगा, षड्यंत्र करेगा किसी दूसरे को गिराने के लिए, हालांकि इसकी कोई दुश्मनी नहीं होती है, ये बेवजह दुश्मन बन जाता है हर किसी का, उसके शोहरत के वजह से, उसके खूबसूरती के वजह से, उसके अच्छे कपड़े होने के वजह से, उसकी क्लास में इज्जत होने के वजह से। ये जलन करता उन लोगों से और जो है कहीं ना कहीं ये उनका दुश्मन हो जाता है, उनकी लोकप्रियता का दुश्मन हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए दुश्मनी कर रहा जब बीमार होगा तब बीमार होगा, लेकिन ये तो पल पल सोच करके बीमार होता है। और ऐसे लोग कुछ समय तक तो बहुत बेहतर दिखते हैं, लेकिन आखिरी में मित्रों जा करके इनको शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड या अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, इंसोमैनिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अतः अगर जो कोई इंसान इस तरीके की सोच रखता है या उसके दिमाग में किसी दूसरे के को मिटाने की, तोड़ने की, काटने की, पीटने की या नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आती है तो ऐसे तमाम लोगों को किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार साप्ताहिक तौर पे लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए और डेली के तौर पे, प्रतिदिन के तौर पर एनाकार्डियम सुबह में और रात में सोते समय नक्स भूमिका का प्रयोग करें, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्रों, अगर जो आपने बहुत सारे घर उजाड़े हैं तो देखो कोई एक घर बसा करके कि कितनी मेहनत लगती है, और बहुत सारे दोस्तों को एक दोस्तों से अलग किया है तो किसी एक पुराने दोस्त को जो कि बरसों से ना मिला हो अपने मित्र से, उसको मिला कर देखो। अगर जो आपने बहुत सारे पत्नियों का जो है रिश्ता खराब कर दिया है तो किसी एक को मिला करके देखिए। अगर जो बहुत सारे भाई को भाई से जुदा करके देखा है तो किसी एक को मिला करके देखें। उम्मीद करते हैं जो मज़ा आपको उनको अलग करने में, तोड़ने में, नीचा कर दिखाने में नहीं मिला होगा, वो मज़ा आपको ऐसे कार्य में मिलेगा। और भगवान ने खूबसूरत ज़िंदगी दी है यार, 50, 25, 60, 70, 80, हर किसी का अलग अलग रिचार्ज कार्ड है, अलग अलग डेट ऑफ एक्सपायरी है। ज़िंदगी का एंजॉय लें, मज़ा लें। और अगर जो आपके पास में कोई नॉलेज है या कोई गुण है, कोई योग्यता है तो उसको प्लीज़ समाज के भलाई के लिए लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।